वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां नीलेश मुखिया से जुड़ी हुई खबर हम आपको बता रहे हैं कि नीलेश मुखिया रूबन अस्पताल से अब सीधा एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली एम्स में उनका इलाज होगा। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त रूबन हॉस्पिटल से है और एयर एम्बुलेंस से उन्हें जो है भेजा गया है, क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो नाजुक बताई जा रही है। और आपको बता दें कि 31 जुलाई को उन्हें तो तबातोर गोलियां, 7 गोलियां जो है पटना के दीघा में मारा गया था। नीलेश मुखिया बीजेपी के नेता हैं और ऐसे में आपको बता दें कि नीलेश मुखिया की स्थिति लगातार नाजुक बताई जा रही थी और रूबन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और लगातार अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जो है कहीं ना कहीं छापेमारी कर रही है। ऐसे में ही आपको बता दें कि नीलेश मुखिया की जो स्वास्थ्य स्थिति है, जो हालात है, वो नाजुक बताए जा रहे हैं और रूबन हॉस्पिटल में लगातार उनके जो है 31 जुलाई से ही इलाज चल रहे थे, लेकिन आज और इस वक्त जो है वो एयर एम्बुलेंस से रवाना हो चुके हैं। उनकी स्थिति जो है वो सुधर नहीं रही थी और हालात जो है उनके जो है बेकाबू हो रहे थे और स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा था। लगातार डॉक्टर की टीम, करीबन 5 से 6 डॉक्टर की टीम पटना के रूबन हॉस्पिटल की टीम, डॉक्टर की टीम जो है वो लगी हुई थी और उनका जो है स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और उनकी जो 7 गोलियां लगी थी, जो 7 गोलियां लगी थी जिसमें उनके गाल के गलफारे में गोली लगा था और कांधे पे गोली लगी थी और गर्दन में और स्पाइनल पोर्शन में गोलियां लगी थी, तो 7 गोलियां जो है वो डॉक्टर की टीम ने निकाल ली है, डॉक्टर ने निकाल लिया था, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और लगातार उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जा रहा था। आपको बता दें कि डॉक्टर की टीम लगातार उनके सेहत के लिए सेहत में सुधार के लिए प्रयास की जा रही थी और लगातार उनका ट्रीटमेंट रूबन हॉस्पिटल में चल रहा था। और जिस तरीके से अपराधियों के द्वारा जो है उन्हें रैकिंग किया गया, घर से जो है उन्हें किसी तरीके से अपराधी जो है वो उनके कार्यालय तक पहुंचता है और उन्हें तबातोर 7 गोलियां, उनके गाड़ी को रुकवाने के बाद 7 गोलियां मारता है और उसके बाद जो है उनकी स्थिति, गोली लगने के बाद उन्हें रूबन हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उनकी सेहत में अभी सुधार नहीं बताया जा रहा। और सीधा जो है वो तस्वीरें हम आपको रूबन हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें गोली लगने के बाद रूबन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अभी जो स्थिति बताया जा रहा है कि वो सीधा एयर एम्बुलेंस से वो दिल्ली एम्स के लिए रवाना हो चुके हैं, वहाँ पर अब उनका ट्रीटमेंट होगा, उनका इलाज चलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो लोग चाहने वाले हैं उनके क्षेत्र के, क्योंकि उनकी पत्नी भी मुखिया है और ऐसे में जो है वार्ड पार्षद है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो खुद मुखिया रह चुके हैं और अब जो है वो भाजपा नेता हैं और उनको जो गोली मारी गई थी तो उनके सेहत में, जो रूबन हॉस्पिटल में है वो इलाज चल रहा था, लेकिन उनके सेहत में अभी भी कुछ सुधार नहीं हुआ। तो अब जो है उनका इलाज दिल्ली के एम्स में होगा और उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए पटना एयरपोर्ट लाया गया और पटना एयरपोर्ट से वो सीधा एयर एम्बुलेंस से रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए। ये इस वक्त की जो बड़ी खबर है नीलेश मुखिया से जुड़ी हुई है, तो वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं एयर एम्बुलेंस से। जी हाँ, आगे की जो अपडेट आएंगे वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें।